तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो टुडेज हेडलाइन में हम बात करेंगे अब तमाम उन सुर्खियों की जो आज अखबारों में हेडलाइंस हैं। तो आज हम उन सुर्खियों के बारे में अब बात करेंगे जो विनय की सुर्खियां हैं और महाकौशल और मालवा निवाड़ की सुर्खियों के ऊपर बात करेंगे। तो इस पे हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं अशोक शुक्ला जी विनय की सुर्खियों के पर बात करेंगे और पंकज पटेरिया जी महाकौशल की हेडलाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे और भानु चौबे जी मालवा निवाड़ की खबरों के ऊपर उनसे समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले आप तीनों पैनल्स का बहुत स्वागत है डीएनएन न्यूज पर। पंकज पटेरिया जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, महाकौशल की सुर्खियों का मूड किस तरफ है आज? मुख्यमंत्री का जबलपुर प्रवास था, अचानक मुख्यमंत्री का जबलपुर आना हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि सभी अखबारों में सुर्खियां थी आज प्रमुख रूप जी से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, जो जबलपुर में जो खुलासा हुआ है और एक निजी अस्पताल के मालिक के खिलाफ FIR हुई, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट बोला कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन वाले हैं, नकली दवाइयां वाले हैं, इसको अखबारों ने बड़ी हेडलाइन बनाई है कि ये लोग नर पशु हैं और ये इंसान नहीं है, इंसानियत के दुश्मन हैं और इनको जानवर कहना भी जानवर का अपमान है। ये मुख्यमंत्री के बयान आज सारे अखबारों में छपे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस अस्पताल मालिक को सरबजीत सिंह मोका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, नजरबंद किया है, वो खुद भी अस्पताल में भर्ती है और उसको वो विश्व परिषद के नर्दा का जिलाध्यक्ष था, जबलपुर का जिलाध्यक्ष था, उसको विश्व परिषद ने पद से मुक्त कर दिया है। ये खबरें भी अखबारों में छपी हैं। दूसरा एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना के मामलों में कमी आई है, लगातार दूसरे दिन जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है, 6 लोगों की मौतें हुई हैं लेकिन 40 लोगों के संस्कार हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा सा मतलब प्रशासन की तरफ से थोड़ा सहयोग मिला, कोविड सेंटर नया बना है तो लोगों को भर्ती होने की थोड़ी समस्या कम हुई है, अस्पतालों में जो बेड की समस्या थी। ये अखबारों की प्रमुख खबर है। और एक जो सबसे बड़ी खबर है आज जबलपुर में मेडिकल कॉलेज से है कि जो ब्लैक फंगस जो एक नया एक रोग आया है उससे 38 वर्षीय युवक की मौत की पुष्टि है मेडिकल कॉलेज में। ये बहुत चिंताजनक बात है और इसका एक नया मतलब समस्या चिकित्सकों के सामने है। दूसरा जो टीकाकरण है, तो टीकाकरण को लेकर जैसे ये था कि वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, पत्रिका ने बड़ी अच्छी खबर छापी महामारी में भी जब टीके की महामारी हो, ये बात सही है, अखबारों ने खबर छापी है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में डोज न मिलने से लोगों को टीका नहीं लग पा रहा। 18 प्लस वाले तो बकायदा जाके सेंटर से लौट रहे हैं, उनको स्लॉट मिलने के बाद भी उनको टीका नहीं लगा, ये बड़ी बात है। दूसरा महाकौशल के सारे जिलों में जो आंधी और बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, पूरा इलाका, पूरा महाकौशल के सभी अंचल बहुत तेज आंधी और तेज बारिश के साथ प्रभावित हुए हैं, लोगों को नुकसान भी हुआ है, जो गेहूं खरीदी थी वो प्रभावित हुई है। अखबारों की खबरें बता रहे हैं कई जगह अखबार ये गेहूं भी किया है। एक बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने एक पिटीशन लगी थी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है जबलपुर इंदौर और ग्वालियर बेंच के लिए, उसमें 10 मई से 14 जून तक जो ग्रीष्मकालीन अवकाश थे उनको निरस्त करने के लिए याचिका करी है, उस पर सुनवाई हो रही है। दूसरा जो जेलों में बंद कैदी हैं, पूरे मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदी है, हाईकोर्ट ने उसके मामले में सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में ये दलील दी गई थी कि जो जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं और उनमें कोरोना संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है और खतरा है। दूसरा एक हमारे महाकौशल की एक बड़ी खबर ये है कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं कुसुम महदेले, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन द्वारा वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और अवमानना को लेकर नाराजगी जाहिर करी, ये भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। जी जी बिल्कुल।